चीज ये है, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या है कि आपको लाइक एडमिट एग्जाम में कैसे जाना है। एडमिट कार्ड आपने अपने साथ तो एडमिट कार्ड बिल्कुल लेके जाओगे, ठीक है। एडमिट कार्ड में अगर आपका नाम और आपका फोटो नहीं क्लियरली दिख रहा है, आपका साइन और फोटो अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है, उस केस में आप एक फोटो लेके जाना, ठीक है। एक फोटो एटलीस्ट लेके जाना, ठीक है। अगर आपका फोटो या नेम क्लियरली नहीं दिख रहा है तो एक फोटो लेके जाना, बिल्कुल, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि लाइक उनका सिग्नेचर आधा कट गया, ठीक है, हाफ सिग्नेचर दिख रहा है, ठीक है, हाफ आपको सिग्नेचर दिख रहा है। थोड़ा सा कट गया साइड से। फोटो लेकर जाना है पासपोर्ट साइज। हाँ, एडमिट कार्ड के में जो फोटो आपने दिया है वो पासपोर्ट साइज फोटो आप जो है दो लेके जाना। जिनका प्रॉब्लम है, जिनका क्लियर है, आप नहीं लेने से भी चलेगा। देखो, एडमिट कार्ड आप दो लेके जाना, टू, ठीक है, टू कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड लेके जाना, ठीक है, टू कॉपीज, दो कॉपीज लेके जाना। आप चाहो तो इसको कॉलर भी करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट करा सकते हो, आपका खुद का मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे करा सकते हो, ठीक है। कलर चाहो तो कलर कराओ, ब्लैक एंड व्हाइट कराओ तो कोई मतलब नहीं कि कॉलर ही कराना है, ब्लैक एंड व्हाइट भी करा सकते हो, पैसा क्यों खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ब्लैक एंड व्हाइट भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो तो आपके साथ रहना चाहिए, अगर आपका मतलब फोटो क्लियर नहीं है तो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लाइक मतलब लेके जाना चाहिए, अगर आपका फोटो क्लियर है, नहीं तो जरूरी नहीं है। अगर किसी का सिग्नेचर कट हो गया है, हाफ सिग्नेचर है, या फोटो में कोई दिक्कत है, तो पॉइंट नंबर समथिंग है, मैं एक बार आपको बताता हूँ कौन सा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, किसी का पॉइंट है किसी सर, फिफ्थ पॉइंट है। हाँ, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आपका है कि आपको जो है मतलब गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है, वहां पे लिखा है गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराना है, गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराना, तो वो कहाँ कराओगे। अब देखो इसमें क्या है, वहां पे क्लियरली लिखा नहीं कि कहाँ कराओगे, ठीक है, क्लियरली नहीं लिखा है कि कहाँ कराओगे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप दो टू कॉपी जब एडमिट कार्ड लेने वाले हो, एक कॉपी को आप क्या कराओगे। देखो मेरे हिसाब से अगर इस तरह का कोई भी सिचुएशन है, अगर आपको एडमिट कार्ड मिल गया तो आप एग्जाम दे सकते हो, कोई ज्यादा आपको लाइक रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर इन 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 एनी केस अगर आपका लाइक क्लियरली नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा भी डाउट है, तो एक गैजेटेड ऑफिसर का साइन आप जो है उस आपके फोटो के नीचे वहां पे साइन करा सकते हो, और एक स्टाम्प वहां पे लगवा सकते हो गैजेटेड का। गैजेटेड ऑफिसर का क्या होता है कि उनका साइन होता है आपके आपके फोटो के ऊपर, ठीक है, फोटो के ऊपर अक्रॉस द फोटो आपको साइन करना है। साइन अक्रॉस द फोटो मतलब क्या होता है, अक्रॉस द फोटो का मतलब पता है आपको, साइन आधा साइन अक्रॉस फोटो के ऊपर से मुट्ठी, जाना आधा चाहिए था। साइन फोटो के ऊपर, आधा बाहर। सर हाँ, आधा बाहर, ये साइन पूरा नहीं आया, सिर्फ उनके लिए है ना क्या, हाँ, ये जिनका नहीं जितने। आया, जिनका क्लियरली नहीं है उनके लिए है, ठीक है। और मान के जिनका चलो आज इतना आपका डेट फोटो का एरिया, नहीं थी। हाँ मैं सब बता रहा हूँ, तो इतना आपका मान के फोटो का एरिया, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, थोड़ा आप आगे से मतलब नीचे के साइड से स्टार्ट करोगे, एंड यहाँ से यहाँ तक जो है आपका साइन कर देना है, और नीचे आपका गेजेटेड ऑफिसर साइन करेंगे और वहां पे उनका स्टाम्प रहेगा, ठीक है। नीचे गेजेटेड ऑफिसर साइन करेंगे और वहां पे आपका स्टाम्प रहेगा, उनका स्टाम्प रहेगा। एक कॉपी ऐसे लेना है, दूसरा कॉपी एज यूजुअल हम लेना है। लोग को फोटो के ऊपर साइन करना है अक्रॉस जिन द देखो फोटो। ओनली फॉर दो जिनका क्लियर नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर दो आपका जिनका क्लियर है, ठीक है। ये क्या, मैं यहाँ पे सर स्टार तो देता हूँ, सिग्नेचर बहुत लाइट आया है उनके लिए। चलेगा, कोई दिक्कत। क्लियर नहीं है तो आप जो है जिनका लाइक हाफ सिग्नेचर है, या फिर क्लियर नहीं है तो उस केस में गेजेटेड ऑफिसर का हाफ फोटो है, हाफ फोटो भी सर है, लास्ट का एक एक दो वर्ड कट गया है तो एक दो डिजिट अगर कट गया तो चलेगा, एक दो लेटर कट गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप चाहो तो मतलब देखो चलेगा, कोई स्टार्टिंग का एक लास्ट का एक कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप अपने एक फोटो में ऐसे साइन करके उसके ऊपर चिपका सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल लेना, जिनका इस तरह का केस है, आप जो टू लोगे ना, एक नॉर्मल लेना जो निकला है, एक नॉर्मल जो तुम्हारा लाइक प्रिंटआउट में निकला है वो लेना, प्लस तुम्हारा एक जो है तुम वन ऐसे फोटो एक चिपका के उसके ऊपर साइन करके ले सकते हो। अगर चाहो तो आप गेजेटेड साइन करा के भी ले सकते हो, ठीक है, गेजेटेड साइन करा के भी आप ले सकते हो। वो थोड़ा एक और बार बताना, साइन अक्रॉस द फोटो जो आपने वो बताया। साइन अक्रॉस द फोटो मतलब सर क्या मैंने होता आपको, है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? क्या, सर जो डेट ऑफ बर्थ वाली प्रॉब्लम भेजी थी वो गलत प्रिंट हो गई है, तो डेट ऑफ सर बर्थ उससे वाला एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं एग्जाम देने होगी? में कोई दिक्कत नहीं। डेट ऑफ बर्थ में आप जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल किए होंगे उस तरह से उनका भी शो किया होगा, एडमिट कार्ड भी वही शो किया होगा। एडमिशन के टाइम में वहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा बाद में, ठीक है। इन दैट केस आप मेल कर देना पहले से, एडमिट कार्ड भी इशू हो चुका तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। आप लाइक एक एफिडेविट इस तरह का कुछ बना सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एग्जाम के दिन का बात करें, एग्जाम के दिन में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला। अक्रॉस द फोटो आप साइन कर लेना,
ठीक है, अगर आपका कोई दिक्कत है तो, ठीक है, जिनका दिक्कत है वो करना, जिनका दिक्कत नहीं है वो क्या क्या लेके जाएंगे। यस सर, मैंने गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा लिया है, पर सर वो अक्रॉस द फोटो तो नहीं है, अक्रॉस द सिग्नेचर है तो चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, एक तो वो एक तो सिग्नेचर साइन करेंगे आपका, आप फोटो के ऊपर साइन कर सकते हैं, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो तो पासपोर्ट साइज फोटो सैंपल के लिए आपको मेरा एडमिट कार्ड भेजा, एक बार देख लीजिए ना इफ इट्स राइट और नॉट। अच्छा तो इफ यू मींस यू वांट मी टू शेयर दिस ऑन स्क्रीन और नॉट? नो इश्यू सर, यू कैन। ओके तो मैं, अच्छा होगा अगर आपका परमिशन है तो मैं आपका, अभी तक मैं नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ढूंढ रहा था किसी का, अगर होगा तो मैं है, लेकिन पता नहीं क्यों इफ डोंट शेयर देन क्या शेयर करूं या नहीं करूं? हम बोल रहे हैं नो मत शेयर करो। अच्छा शेयर नहीं करूं? अच्छा आप बताओ, अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है दे विल मेक फन ऑफ मी आफ्टर दैट। ओके नो इशू, ठीक है तो अगर देखो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं भेज देती हूँ, मेरा शेयर कर दीजिए। सर मैं भेज देती हूँ, मेरे कर दीजिए। चलिए सर, मेरा इसलिए मैंने भेजा, ठीक है। देखो सुनो सुनो सुनो, मैं ऐसे शेयर करता हूँ जैसे कोई ज्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा जूम कर देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अपने स्टूडेंट क्या दिक्कत होगी, मैं बस वही पार्ट दिखाऊंगा जहाँ पे दिक्कत है, आपका कोई घर का डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ओके कोई दिक्कत नहीं, इट्स करेक्ट, फोटो सही है, फोटो में कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका ये सिग्नेचर क्लियर नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करना, मतलब फॉर द सेफ साइड, इतना बड़ा, इतना मेहनत हमने किया हुआ, इतना लाइक बड़ा एग्जाम है आपके लिए, क्लियर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो आप साइन नहीं करोगे, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड, यहाँ पे आप साइन नहीं करोगे, एक कॉपी वैसे लेके जाना, ठीक है, नॉर्मली ये जो कॉपी है ये लेके जाना, ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे आप क्या करना, दूसरा जो तुम्हारा कॉपी होगा तुम्हारे पास, इसमें तुम एक फोटो लगा लेना, फोटो के नीचे तो थोड़ा सा जगह होता है, मान के चलो यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, जो भी आपका नाम है, इस तरह से आपने फॉर एग्जाम्पल सिल्की कुमारी है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने साइन कर दिया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एंड कर सकते हो, इसको बोलते हैं अक्रॉस द फोटो, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एंड करना होता है, इसको अक्रॉस द फोटो बोलते हैं। अब गजेटेड ऑफिसर वाला साइन कहाँ पे करेगा, गजेटेड ऑफिसर वाला अगर साइन करेगा तो मतलब उस फोटो के ऊपर हम खुद साइन करेंगे, हाँ, इस फोटो के ऊपर आपका खुद का सिग्नेचर होगा, ठीक है, दो कॉपी लेके जाना, एक कॉपी नॉर्मल जैसे तुम्हारा एडमिट कार्ड है वैसा एक कॉपी लेके जाओगे पूरा प्रिंट आउट निकाल के, दूसरा जो कॉपी होगा उसमें आप जो है एक इस तरह का सिग्नेचर करना है अक्रॉस द फोटो। गैजेटेड वाले साइन कहाँ करेंगे, गैजेटेड वाले यहाँ पे आपका, यहाँ पे तुम्हारा फोटो सिग्नेचर तुमने कर दिया, गैजेटेड ऑफिसर कहाँ मिलेंगे वो, आप अपने, हाँ आप अपने पेरेंट्स से पूछना, वो आपको बता देंगे, जो भी कॉलेजेस के हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हो सकते हैं, गैजेटेड ऑफिसर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, जो जहाँ पे हो सकता है, जो भी प्रोफेसर है जिनका नाम के अंदर डॉक्टर लगा है वो लोग साइन कर सकते हैं, ऐसे कुछ क्या वो कर सकते हैं, मान के चलो यहाँ पे साइन करते हैं गैजेटेड ऑफिसर या यहाँ पे साइन करते हैं चलेगा, फिर उसके बाद स्टाम्प यहाँ पे लगा सकते हैं, सफिशियंट स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर इतना भी एरिया अगर जाता है वो उनके पास होता है, गैजेटेड ऑफिसर के पास साइन कराता तो उनका स्टाम्प लगता है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन है, मान के चलो आप मुझे दे दिए, मैंने साइन कर दिया, अब पता नहीं है मैं कौन हूँ, ठीक है, तो फिर गैजेटेड का क्या, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, इंचार्ज सीई, उनका साइन है, नीचे लिखा हुआ इंचार्ज सीई, तो गैजेटेड के केस में भी ऐसा होता है, वो साइन करेंगे और नीचे लिखा होता है उनका डेजिग्नेशन कि वो कौन है, ठीक है, वो कौन है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज या एमबीबीएस दिस या फिर बीडीओ दिस, तो उनका डेजिग्नेशन वहाँ पे लिखा होता है वो स्टाम्प के अंदर ही, ठीक है सर। वो जो अटेस्टेड लिखा होता है वो मतलब वो होता क्या है, जो अटेस्टेड लिखना, अटेस्टेड का मतलब होता है साइन करना, अटेस्टेड का मतलब होता है फोटो अटेस्टेशन बोलते थे उसको, साइन बोला जाता है, मतलब साइन है वो, ठीक है, फोटो अटेस्टेशन क्या है, वो साइन है, नॉर्मली साइन, आजकल हम लोग क्या करते हैं सेल्फ अटेस्टेड करते हैं, ठीक है, क्लियर सर? हाँ सर, मैंने आपको एडमिट कार्ड भेजा है, वो एक बार देख लीजिए ना सही है या नहीं। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा ना, यहाँ पे शेयर नहीं करना है। हाँ सर आप कर सकते हैं, फोन पे देखिए या फिर शेयर कीजिए, कोई बात, ठीक है, आपका आपका सही है, बांसुरी पाड़ी ना आपका नाम, यस सर, आप सर मेरा भी एक बार चेक कर लीजिए ना सर, आपको भेज दिया मैं व्हाट्सएप पे। देखो सबसे पहला चीज क्या है, आप जो है एडमिट कार्ड दो कॉपी लेके जाना, ठीक है, अगर एक नॉर्मल इशू है तो इस तरह से, या दो नॉर्मल कॉपी भी लेके जा सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपका फोटो में कोई एरर तो लेके जा सकते हो, लिखा यहाँ पे नहीं है, कोई आईडी लेके जाना, कोई आईडी प्रूफ, लाइक आपका
आधार कार्ड, आईडी प्रूफ में क्या होगा, आधार लेके जाना, आधार कार्ड या फिर आपका लाइक जो भी आपका आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड नहीं चलता, मेनली आधार कार्ड हमारे पास एक आईडी प्रूफ रहता है। और क्या क्या यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको जो है विदाउट एडमिट कार्ड अलाउ नहीं किया जाएगा, क्लियरली लिखा है, तो एडमिट कार्ड लेके जाओगे, अगर सिग्नेचर एंड आपका फोटो विजिबल नहीं है तो बिफोर कमिंग टू एग्जामिनेशन मस्ट पेस्ट इज रिसेंट फोटो एंड सिग्नेचर ड्यूली अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर, मतलब जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम है तो क्वेश्चन बुकलेट आप अपने साथ ला सकते हो, ओएमआर अच्छी तरह से भरना है, कैसे भरना है कल डिस्कस करेंगे, एंड ओएमआर उनको हैंडओवर करने के बाद ही आना है, ठीक है। कोई भी पेजेस आपको नहीं फाड़ने, अच्छे से लेके आना है, आप ब्लैक एंड ब्लू पेन लेके जा सकते हो, ये आपको खुद से लेके जाना है, ठीक है। कोई कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सेलुलर फोन, पेजर, मोबाइल, कुछ भी जो है अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, वॉच लेके जा सकते हो, ठीक है। वॉच के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो आप नॉर्मल जो वॉच है, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग वॉच जो होता है, एनालॉग वॉच नॉर्मल वाला आप लेके जा सकते हो, ठीक है। नॉर्मल जो वॉच चाहो तो इट्स अप टू यू, आप लेके जा सकते हो। तो आधार कार्ड के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, फॉर सेफ्टी आप लेके जाना, मतलब फॉर लाइक आपका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, किन के लिए ज्यादा जरूरत है, लाइक नेम में कोई मिस्टेक है, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह वगैरह कुछ है तो वो लेके जा सकते हो। तो ये फॉर आपका नेम प्रूफ है, मतलब आप सही वो इंसान हो, आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, नेम प्रूफ के लिए लिया जाता है, तो लेके जाना, ठीक है। इतना ही चीज है, एडमिट कार्ड टू कॉपीज लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो आप चाहो तो टू कॉपी लेके जा सकते हो, दिक्कत है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड, ठीक है, और आप चाहो तो एक वॉच लेके जा सकते हो एनालॉग वाला, जो तुम मतलब नॉर्मल बिना ये लेके जाना चाहिए, क्योंकि आपका वहां पे घड़ी होगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। वाटर बोतल लेके जाना, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ जो नहीं है, हाँ आधार कार्ड का जेरोक्स, आधार कार्ड ओरिजिनल, नो जेरोक्स, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल आईडी का, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ठीक है। वॉच ले जा सकते हो, वाटर बोतल लेके जा सकते हो, चाहो तो सैनिटाइजर वगैरह लेके जा सकते हो, एक ईटीसी लिख देता हूँ अपने साथ, मास्क भी ले जाते हैं सर, हाँ वहाँ पे लिखा होता है, क्योंकि मास्क भी लेके आना, ले जा सकते हैं, क्या खाने पीने का भी ले जा सकते हैं, नहीं नहीं खाना पीना वहाँ पे अलाउड नहीं है, खाना नहीं लेके जा सकते, 2 आवर के लिए सब क्या करेंगे लेकर, 2 आवर्स के लिए है, पानी भी नहीं चाहिए, लेकिन लेके जा फाइल चलेगा, ट्रांसपेरेंट फाइल लेके जाने से वो आपको शायद बाहर मना कर देंगे, वो अलाउड नहीं होना चाहिए, लेकिन लेके जा सकते हो, बाहर आपको बोल देंगे रख दो, बस क्या जरूरत भी नहीं आपको, बस एक ही इतना चीज कैरी करना है, क्या है, हाँ एक को आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैंने बोला नहीं, आपको 2-3 पेन्स आपको लेके जाना है, मेरे हिसाब से मैं आपको 2-3 पेन्स बोल दूंगा, एटलीस्ट 2-3 पेन्स ऑफ सेम तुम्हारा जो तुम्हारा होगा, ठीक है, मतलब सेम वाला पेन जो तुम्हारा सेम टाइप या सेम कंपनी जो भी है, सेम कलर में भी होना चाहिए, 1 mm का चलेगा पेन, 1 mm, हाँ देखो ये भी पेन का एक तुम्हारा ये है कि जितना तुम्हारा नीब मोटा होगा, ठीक है, विथ लाइक तुम्हारा जितना भी बड़ा नीब होगा, बिग फॉर एग्जाम्पल बिग साइज नीब होगा उतना अच्छा है, क्यों, नीब जितना बिग साइज होगा उतना जल्दी आप ओएमआर में ये कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको कल भी बता दूंगा एक बार, जितना तुम्हारा थिन होगा, ठीक है, पतला होगा उतना तुम्हारा लाइक वो होगा, मैं थिक लिख देता हूँ अच्छे समझ में आएगा, जितना थिक नीब होगा उतना जल्दी ओएमआर डार्केनिंग हो पाएगा, ठीक है, उतना स्पीड होता है तुम्हारा ओएमआर डार्केनिंग, ठीक है, स्पीड ओएमआर डार्केनिंग होता है अगर तुम जो है मतलब थोड़ा सा मोटा लेके जाते हो तो, ठीक है, मैं हमेशा मोटा ही मतलब यूज करता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ओएमआर में डार्केनिंग होता है, ठीक है। ये सब तुम्हारा कुछ पॉइंट्स है जो तुम एग्जाम के दिन लेके जा सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम हॉल वाला चीज है, यस सर, लेकिन ये जो मोटे नहीं बोला पेन है, इससे तो क्वेश्चन तो जल्दी बनेगा नहीं, मतलब वो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, दो पेन देखो, एक पतला एक मोटा, एक हाँ, ये तुमको यहाँ पे ये ओएमआर को डार्केनिंग के लिए है, प्लस सॉल्विंग के लिए बिल्कुल तुम जितना पतला चाहो ले सकते हो, सॉल्विंग के लिए एज यूजुअल पेन, जो तुम्हारा फास्ट राइटिंग वाला पेन है, फास्ट प्रैक्टिस वाला पेन है, ठीक है, एज यूजुअल पेन व्हिच इज इन व्हिच यू आर लाइक प्रो बोल सकते हो, मैं मास्टर कर चुके बहुत बार लिख के, लाइक मैं राइटोमीटर मुझे अच्छा लगता है, कुछ लोगों को 3 रुपीज वाला जो यूजन थ्रू पेन अच्छा लगता है, सबका अलग अलग है, कुछ को बटरफ्लाई अच्छा लगता है, सबको अलग अलग, तो जिस पेन में आप हाँ एल्कोस साइन अच्छा लगता है, ठीक है, तो जिसको जो पेन अच्छा लगता है वो लेके जाना फॉर प्रैक्टिस, ये तुम्हारा अटेंडिंग द लाइक क्वेश्चंस, लाइक मेनली तुमको कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना, रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करना या टिक या राउंड वगैरह करना है, वो तो हम कल बात करेंगे कैसे राउंड वगैरह करोगे, तो यूजुअल पेन लेके जाना है आपको, जिसमें आप सिर्फ जो है तुम क्या करोगे यहाँ पे लिखना वाला जो तुम्हारा छोटा मोटा काम है वो करना, ओएमआर का डार्केनिंग पूरा एक ठीक नीप से करोगे तो जल्दी होता है, ठीक है, माय लाइक एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, बहुत जल्दी होता है, ठीक है, 45 मिनट्स पहले से पहुंचना चाहिए आपको, ठीक है, यस
जो आपने बताया कि वो जो फोटो और सिग्नेचर का जो प्रॉब्लम होता है, तो ये मतलब वो ये कहाँ देखा जाएगा कि जब हम गेट पे एंट्री एंट्री लेंगे साइन या के जब टाइम वो साइन साइन देंगे? देखो, एंट्री के टाइम देखा जाएगा। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आप ताकि ना डरो, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर्मेलिटी, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर्मेलिटी, बट मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि दिस इज जस्ट फॉर्मेलिटी, मान के चलो। मैं ऐसा क्यों नहीं बोलूंगा, अगर कुछ हो गया तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता ना, है कि नहीं? वहां पे मोस्ट लिखा है ना, इसलिए सर मैं हाँ थोड़ा डर हाँ गया 2 दिन से। नहीं, ऐसे देखो, उनका काम है कि मस्ट लिखा होगा, वो आपको बोलेंगे आप करके आओ, ठीक है, वो चीज आप जो है गेजेटेड से साइन करा के लाओ। लेकिन उतना ज्यादा लेकिन आपको उस एडमिट कार्ड में वो छोटा सा दिक्कत है बोल के आपको एग्जाम नहीं देने जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं इतना मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, आप इतने सारे बच्चे मुझे इस चीज के ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो मेरा कोई भी छोटा सा मिस्टेक, अगर मतलब मिस्टेक भी नहीं है, मैंने ऑनेस्टली कुछ बोला और वो भी गलत हो गया, तो वो भी मेरे लिए नॉट गुड फॉर मी, मतलब मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी हो। तो मैं इसीलिए हर वक्त मैं हमेशा जो भी चीज बताता हूँ वो आपका ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। लाइक कोई अभी तक मैं आपको लाइक एनसीटी का कोई अपडेट नहीं दे रहा था क्योंकि कोई आया नहीं था। मैं लोग तो बहुत वीडियो बना रहे थे उसके ऊपर, ठीक है, मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है जब ऑफिशियल आएगा तब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ऑफिशियल चीज के ऊपर फॉलो करता हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया कि अगर किसी का दिक्कत है एक नॉर्मल लेके जाना, नॉर्मल में आपका हो जा रहा है तो लेके जाओ, नहीं तो दिक्कत बोल रहे तो गैजेटेड दिखा लेना, ठीक है। जो यस जो सर, तो कोई रिस्क नहीं लेना है मतलब भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं हम। यस सर, 3 महीने से प्रिपरेशन, 4 महीने से प्रिपरेशन पे इतना पैसा, मतलब हाँ मेहनत सब। ठीक है, देखो मतलब ये चीज आप ये मत सोचना कि आपने पैसा लगाया है, ठीक है, प्रिपरेशन के ऊपर, क्योंकि मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ एक चीज, ठीक है, वो तो सही है अगर हम इकोनॉमिकली देखें लाइक, या फिर इस तरह से देखें तो सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जितना इन्वेस्टमेंट हमने इस चीज के लिए किया उससे ज्यादा मिला है कि नहीं, मुझे ये चीज ऑनेस्टली बताओ, ठीक है। हाँ यस सर, हम अगर चाहते, बहुत ठीक है, ज्यादा मिला है। हाँ सर, यस सर, ऑनेस्टली आप बताओ कि आपने जितना भी लाइक स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है, जो अगस्त में ज्वाइन किया है उनके टाइम में फी हाँ ज्यादा सर, था, ठीक है, लगता बाद में है ज्वाइन किया है, हाफ बीएड तो इधर ही कर लिए हम। बिल्कुल। हमने आपको लाइक मैंने इतना सारा चीज बताया, मैं आपको खुल के एंड लाइक मतलब विथ फुल कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ कि आप यूजीसी नेट मेरा क्यों मतलब बिना पढ़े स्टेट मेरा। बीएड का क्वेश्चन देखा था कुछ दिन हाँ पहले, लगा तो ये कुछ भी नहीं है, हाँ हम बहुत थोड़ा इजी पढ़ लगेगा, लेंगे जैसे तो निकल जाएगा। लास्ट ईयर भी ना यही हुआ था, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिनका नहीं हुआ आ रही में, वो स्टेट बीएड सीटेड सीयूईटी वगैरह कर लिया आराम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इतना मेहनत किया है, इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि कल अगर आप जाके यूजीसी नेट का भी एग्जाम देते ना तो आप आराम से करके आओगे, आपको बिल्कुल यस दिक्कत सर, नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब बहुत इजी लगेगा आपको ये चीज, ठीक है, मतलब कितना इजी क्वेश्चन से यस लगेगा। सर, और हमने दोनों सब्जेक्ट और भी दो बाकी दोनों सब्जेक्ट में भी काफी पढ़ लिए, बहुत हाँ, सारे सब्जेक्ट और आप खुद सर, बताओ रीजनिंग का जितना आपने प्रैक्टिस किया है, कोई भी एग्जाम में रीजनिंग देते हो तो कभी डिफिकल्टी होगा हाँ सर, आपको? कॉम्पिटिटिव यस सर, स्किल्स यस खड़ा कर दिए सर, ये आप मैं उसी के एसएससी बारे में बोलना सीजीएल। चाहता हाँ बोलो सर। बोलो, खुद बोलो। मैं उड़ीसा से हूँ, तो सोनपुर से हूँ, तो कुछ महीने पहले जो सीटी का जो एग्जाम हुआ था, तो मैंने उसके लिए फॉर्म भरा था, तो मैंने उसके कुछ बुक के वो रीजनिंग के क्वेश्चन देखे, तो मुझे मतलब बहुत इजी लगा वो, मतलब उससे हम हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके थे इसलिए वो बहुत इजी लगा। चलो ऑनेस्टली आप लोग भी बताओ, क्योंकि यही तो मेरा लाइक मतलब इस इतना जो मेहनत कर रहे हैं सुनने का मतलब है, ठीक है। सर मैं हाँ तो सर, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से थी और आईपी आईपी ले रखी थी, मैथ्स तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था, बट अब रीजनिंग करा ना तो समझ आने लग गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला भी था सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, और अभी कर रही हूँ तो आ रहा है अच्छे से। हाँ देखो, मैं इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में जो जो बच्चे ज्वाइन किए थे, कुछ दिन अटेंड करो आपको लगेगा। कुछ कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप टीचर्स का यस क्लास सर, करने के बाद बहुत फास्ट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा।